हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। देखिए, मेरा जो बेटा है वो बर्तन धो रहा है, शाम का टाइम था तो बर्तन धोने के लिए मैं रखी हुई थी, तो यही बर्तन धो रहा था। वो भी कपड़ा धोने वाला अथी से धो रहा था, कपड़ा धोने वाला ब्रश से धो रहा था। ये बोल रहा था मम्मी मैं धो दूंगा, और ये धो रहा है। ऐसे तो मेरा हर एक काम में हेल्प करता है। बगल में दुकान है तो दुकान से ये सामान ले आता है, जो भी मैं इसको बोलती हूँ, जो इसको समझने आता है, जो बोलने आता है, उसे बोल के लाता है। नहीं तो इसको मैं लीक कर देती हूँ तो ले आता है। तो ये बहुत ही हेल्प करता है। तो आज ये बर्तन, तो ये देखिए बर्तन धो रहा है। तो ये धोते धोते देखिए कहाँ चले, पूरा बर्तन बोल रहा था मम्मी तुम हटो मैं धो देता हूँ। और यहाँ पे मेरा होली का शॉपिंग हो चुका है और पूरे महीने भर का भी शॉपिंग हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लाए हैं, शाम का टाइम का ये वीडियो है। पूरे महीना भर का ले आए हैं और होली में भी जो जो यूज होने वाला है वो ले आए हैं। देखिए कार्टून मेरा बेटा खोला था, तो ये सबसे पहले पाउडर निकला है, निविया का पाउडर है, और उधर हिमालय का शैम्पू है। तो ये एक महीना हम लोग का चल जाता है। और ये मेरे हस्बैंड अपने लिए डियो लाए हैं, परफ्यूम, उनको यही बहुत पसंद रहता है तो वे यही लाए हैं। मेरे लिए नहीं लाते हैं, मैं नहीं, मैं से कभी कभी लगा लेती हूँ, मैं हमेशा नहीं लगाती हूँ, कभी कभी जब कहीं जाना रहता है तो लगा लेती हूँ। तो ये मैगी का कार्टून है, तो मैगी के कार्टून में मेरे हस्बैंड लाए हैं सारा सामान। देखिए मैं आगे दिखाती हूँ क्या क्या चीज है। तो ये तो दिख रहा है, तो ये हल्दी है, और ये हल्दी आधा केजी का है, और उधर धनिया पाउडर भी है, ये भी आधा केजी का है, और उधर मिर्च पाउडर है, वो 200 ग्राम का है। मेरे घर में मिर्च बहुत कम ख़त्म होता है। और ये है रिफाइन है, रिफाइन वही रिफाइन है, और सरसों तेल भी है, दोनों मिक्स करके। और ये साबुन है कपड़ा धोने वाला। मेरा बेटा देखिए कैसे साबुन उसे ले लिया है, उसको लगता है कुछ खाने वाला है, वो नहाने। ये किचन के सब्जी मसाला, ये नहाने वाला साबुन है। तो एक महीना से ऊपर ये मेरे हस्बैंड बोले हैं कि 2 महीना चलाना है इसको, मगर देखिए ना चलता है कि नहीं चलता है। और ये बेसन, ये होली के दिन, होली से एक दिन पहले बनाने के लिए। और ये मैदा है, पता नहीं हम नहीं देखे उतना, तो मैदा कितना ग्राम का है सुने, 2-4 पैकेट था। और ये सूजी भी है, तो सूजी ले लिए हैं, हम लोग पुआ बनाएंगे तो उसी में डाल करके। और ये अरहर का दाल है, मेरे घर में अरहर का दाल और मसूर का दाल मिक्स करके बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और बस इतना ही देखने दिया, जैसे कि ये है यही सब पूरा हम देख चुके हैं। तो मेरा बेटा कार्टून को बंद कर रहा है, तो ये बंद करके एक साइड अभी जो फिलहाल अभी जो होने वाला है उसे हटा लेंगे। और यहाँ पे देखिए हम अपने बेटा को कपड़ा नहीं खोल दिए थे, बोले थे ना बेटा नहीं नहाना है, हमको कपड़ा धोना था। तो देखिए उसने हम टब में कपड़ा धोने के लिए रख दिए थे, तो ये खुद से नहाना स्टार्ट कर दिया, पानी आ रहा था, तो मोटर का पानी है, तो ये खुद से नहाना स्टार्ट कर देते। इसको मैं बोली कि कपड़ा खोल लो, तो ये कपड़ा खोल रहा है और नहा रहा है। तो आप लोग इच्छा को और मत कीजिएगा, बेटू मेरा खुद से कपड़ा खोल रहा था, मगर उससे हो नहीं रहा था, तो मैं उसको
खोल करके बढ़िया से नहा दूंगी। ये शाम का ही है, जब मैं खाना बनाने जा रही थी तो बेटा को खोज रही थी खाना, पूरे घर में कहीं नहीं था, वो तो बाहर घूम रहा था। तो अभी करके अंडा करी आज बनेगा, तो वही अंडा उबाल रहे हैं, बाहर जा कर के देखते हैं मेरा बेटा खाने में, तो मैं बाहर से लेकर के घर में रखती हूँ। देखिए आज करने के लिए